आज मैं आपको परवल की बहुत ही बेहतरीन सब्जी दही परवल बनाना बता रही हूँ। इसके लिए परवल को धोकर अच्छी तरह से उसे छील ले और इस तरह से फोक से इसके होल कर ले बीच बीच में आप इसे फोक से, ताकि ये जो भी हमारी ग्रेवी बनेगी वो जो है वो पटल के अंदर अच्छी तरह से चली जाए। अब इस परवल को आप हल्का ऑयल में, फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें डाल के इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भूने। इसे 5 मिनट के लिए ढककर आराम से मीडियम हीट पे रख के चला बीच बीच में चलाते हुए पकाएं। इधर मैंने 2-4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 बड़े प्याज को लिया था, उसके मैं दरदरा पेस्ट बना लूँगी। इधर मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैं ड्राई गरम मसाले डालूँगी। जैसे मैंने 4 लौंग डाला, दालचीनी डाला, हरी मिर्च, हरी इलायची डाली है और थोड़ा सा मैं सहजीरा डाली हूँ। दही मैंने 1 कटोरी लिया है और उसमें मैं 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच मैं इसमें जीरा पाउडर डालूंगी और उसे मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इधर हमारा तेल जो है वो मसाले और तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं, तो उसमें मैं जो प्याज और हरी मिर्च अदरक का दरदरा पेस्ट बनाया था उसे डाल दी हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ और उसे मैं अच्छी तरह से चला के भूनूंगी। इधर मैंने दही में लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाला और उसे भी मैं अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर दूंगी। सारे मसालों को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर दें और उसे साइड में रख दें। इधर जो आपके प्याज हैं उसे ऑयल के साथ आप अच्छी तरह से फ्राई करें। जब आपका जो प्याज है वो हल्का सा तेल छोड़ने लगे और ये सेपरेट होने लगे आपके मसाले, तो समझ जाइए कि आपके मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मसाले जो हैं हमारे वो भुन गए हैं, तो मैंने जो दही के पेस्ट बना के रखे थे ना मसालों के साथ, मैं उसमें इसमें वो सारे मसाले डाल दूंगी। सारे मसालों के साथ मैं अच्छी तरह से प्याज को मिक्स कर दूंगी और इसे भी मैं 5 से 7 मिनट मीडियम हीट पे अच्छी तरह से भून लूंगी। जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब मैं उसमें 1 चम्मच चीनी डालूंगी। मसाले हमारे देखिए लगभग भुन गए हैं। अब मैं इसमें जो पटल मैंने फ्राई करके रखा था उसे मैं परवल को इसमें डाल दूंगी और उसे भी मैं अच्छी तरह से इस मसाले के साथ मिक्स कर दूंगी। बस 1 से 2 बार चलाते हुए इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और उसे भी आप इसे मसाले के साथ मिक्स कर दें। सारे मसाले नमक अच्छे से मिक्स हो जाए तब फिर आप इसमें थोड़ा सा 1 कप पानी डालें और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब इस परवल की जो सब्जी है हमारी उसे भी ढककर आप 2-3 मिनट तक और पकाएं, ताकि जो परवल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, और ये बिल्कुल हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। इसे आप इतना ग्रेवी के साथ रखें और इसको मैं दिखाऊं कि आपको बिल्कुल हमारा परवल जो है सॉफ्ट हो गया है। तो आप इस तरह से इसे बनाएं और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ काजू और थोड़ी सी किशमिश ऊपर से डालें, उसे भी आप इसे इस सब्जी में मिक्स कर दें। इसका भी टेस्ट इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है। सब्जी में काजू और किशमिश डाल के बनाएं, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। अब इस सब्जी को आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं और इसे आप काजू के साथ गार्निशिंग करें, ये बिल्कुल आपकी सब्जी बनके रेडी है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये सब्जी पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपना कमेंट हमें ज़रूर लिख भेजें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप हमें अपना कमेंट भेजेंगे तभी तो हमें समझ में आएगी कि ये जो मैंने रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई है वो आपको पसंद आई या नहीं।